नमस्कार, मंजुला आर्ट क्लासेस में हम आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी कोशिश कुछ खास कुछ नया, सिर्फ आपके लिए हर बार कुछ नया। तो लीजिए, आज हम आपके लिए लाए हैं मधुबनी आर्ट। आज हम आपको मधुबनी आर्ट वाला स्कार्फ बनाना सिखाएंगे। वैसे तो मधुबनी पेंटिंग को मधुबनी शीट या कैनवास पर ही बनाया जाता है, लेकिन हम स्कार्फ बना रहे हैं इसीलिए इसको काटन के कपड़े पर बनाएंगे। कलर एवं आर्ट मधुबनी का ही रहेगा। इसको इस शीट को भी बनाने की एक विधि होती है जिससे मधुबनी आर्ट बनाया जाता है, पर हम अभी कपड़े से बनाना बताएंगे। कपड़े पर स्कार्फ बनाएंगे। इसकी सामग्री है, यह काटन का कपड़ा, दो काटन का कपड़ा लिए हैं, फैब्रिक कलर, ब्रश 0 नंबर का और 4 नंबर का ब्रश लगेगा। सबसे पहले स्कार्फ जितना बड़ा कपड़ा काटेंगे, उसके ऊपर मधुबनी की डिजाइन बनाएंगे। वैसे तो मधुबनी की डिजाइन को फ्री हैंड से बनाया जाता है, पर अगर आप पहली बार बना रहे हैं या आपसे नहीं बन रहा है तो इसे ट्रेस कर सकते हैं डिजाइन को। पर यदि 2-4 बार कोशिश करेंगे तो फ्री हैंड से इसकी डिजाइन बनने लगती है। मधुबनी की डिजाइन फूल पत्ती भी बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले कपड़े की नाप लेकर कटिंग करेंगे। ये देखिए, दोनों तरफ से 20 इंच लंबाई में लेंगे कपड़ा। यह प्योर काटन का कपड़ा है और चौड़ाई भी इसकी 20 इंच ही रहेगी। दोनों तरफ से 20-20 इंच लेना है। 20-20 इंच लेकर के इसकी कटिंग करेंगे, देखिए, और फिर इसके ऊपर डिजाइन बनाएंगे। अभी हमें स्कार्फ की बहुत जरूरत पड़ती है, तो इस प्रकार कई स्कार्फ बना सकते हैं। देखिए इसकी डिजाइन बना रहे हैं। इसे यदि आपसे नहीं बने तो आप ट्रेस कर सकते हैं। देखिए, पहले डिजाइन जो पेंसिल से बना है उसके ऊपर मार्कर पेन चला करके इसकी आउटलाइन देंगे। आउटलाइन इसकी बनने के बाद ही इसमें कलर भरेंगे। इसका कलर इसे फैब्रिक कलर से बनाएंगे। यह कलर किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। इसे पूरा पेंटिंग बनने के बाद उल्टे तरफ से प्रेस कर देंगे, जिससे यह कलर पक्का हो जाएगा और धोने पर भी यह कलर नहीं निकलेगा। इस स्कार्फ के उल्टे तरफ प्रेस करेंगे तो यह कलर पक्का हो जाएगा। देखिए, ये मार्कर पेन है, इसी से आउटलाइन दे रहे हैं और यह वाली डिजाइन पूरे बॉर्डर में, इधर और इधर बॉर्डर में ये वाली डिजाइन बनाएंगे। इसे भी पहले पेंसिल से बनाएंगे और मार्कर से आउटलाइन देंगे कलर भरने से पहले। देखिए, हमारे स्कार्फ का यह डिजाइन मार्कर पेन से पूरा आउटलाइन दे चुके हैं।
चूंकि मधुबनी पेंटिंग को शीट के ऊपर बनाते हैं तो सांचा की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि हम स्कार्फ बना रहे हैं तो इसके लिए हमें ये गंजी है, गंजी के ऊपर कपड़े को रख के रस्सी से बांध दिए हैं। ऐसा करके यह कलर करेंगे। नीचे स्टील की गंजी है और ड्राइंग ये कपड़े को रख के रस्सी से बांध दिए हैं। देखिए इसकी मधुबनी पेंटिंग की कलर गाढ़ा या जैसे पतला बनाना है ऐसे जितना कलर हमें चाहिए उतना लेंगे, और यदि पतला करना है तो एक दो बूंद इसमें पानी डालेंगे और जहाँ पे गाढ़ा कलर चाहिए वहाँ पे पानी मिक्स नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ पानी मिक्स करते और कुछ भी नहीं मिलाना है। देखिए इस प्रकार आपको पतला गाढ़ा जैसा भी चाहिए सिर्फ पानी कुछ बूंदे मिलाएंगे। हम इसमें सिर्फ चार बूंद पानी मिलाए हैं। देखिए हमारा कलर तैयार हो गया है। अगर ज्यादा पानी मिलाएंगे तो आउटलाइन से बाहर कलर निकल जाएगा, इसीलिए पानी मिलाते समय सावधानी रखना पड़ेगा। यदि आपके पास बड़ा साइज का सांचा है जिससे एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो आप उस सांचे में भी इस कपड़े को लगा करके यह पेंटिंग बना सकते हैं। ये तो हम स्कार्फ बनाना बता रहे हैं। जब मधुबनी पेंटिंग शीट पर बनाते हैं तो शीट की बनाने की एक विधि है, गाय के गोबर के घोल में गोंद मिलाकर छान लेते हैं और पेपर के एक तरफ लेप करके उसे धूप में सुखा देते हैं। एक ही तरफ लेप करके छान लेते हैं घोल को, और घोल को छानने के बाद लेप करके पेपर में एक तरह सुखा देते हैं। इस प्रकार मधुबनी शीट तैयार करते हैं। मधुबनी पेंटिंग की एक खासियत है कि इस पे कहीं पर भी गेप नहीं छोड़ा जाता, जहाँ भी गेप आता है फूल पत्तियों से पेंटिंग को भर देते हैं। ज्यादातर देवी देवता का चित्र बनाते हैं, पर चूंकि हम स्कार्फ बना रहे हैं इसीलिए इसे पूरा नहीं भरेंगे। देखिए
देखिए इसे फैब्रिक पेंट से बना रहे हैं या फैब्रिक कलर है, धोने से नहीं जाएगा। पूरा पेंटिंग होने के बाद इस प्रकार बराबर नाप से तिरछा कपड़ा और काटेंगे इसके ऊपर लगाने के लिए। ये नाप से काट लिए हैं। देखिए यह मधुबनी पेंटिंग बनने के बाद इसका जितना हमारा यह स्कार्फ का लंबाई है तिकोनी आकार में, इतना ही एक और कपड़ा बराबर नाप से लेके कटिंग कर लिए हैं। अब इसका सेंटर पॉइंट जो है स्कार्फ का जो सेंटर है वहां पे निशान लगा दिए, और ऐसा जहाँ पे आँख आएगा आँख वाला हिस्सा हमारा रहेगा वहाँ पे 5.5 इंच नाप लिए, और नाप के इसमें भी और इसमें भी दोनों में निशान लगा दिए। अब इसको सिर्फ 1/2 इंच कटिंग करेंगे, ऐसा सिर्फ 1/2 इंच इसको कपड़े को थोड़ा सा इतना सा काटना है इसका भी और इसका भी। यहाँ पे हमारा आँख वाला हिस्सा रहेगा सिर्फ 1/2 इंच काटेंगे, उससे ज्यादा नहीं, इसका भी इसका और इसका भी जो पीछे रहेगा। पीछे के कपड़े में देखिए निशान लगा लिए हैं, और इसे 1/2 इंच काट के पीछे ऐसे पलट देंगे ताकि यहाँ से भी 1/2 इंच कट करेंगे और यहाँ से भी 1/2 इंच, और जो कपड़ा कट करेंगे वह पीछे ऐसे पलट जाएगा। यहाँ पे हमारा आँख वाला हिस्सा इतना गैप रहेगा, और उसके बाद मशीन से हाथ से इसकी सिलाई करेंगे। यह मधुबनी पेंटिंग जब पूरा सूख जाए तो आउटलाइन के ऊपर मार्कर पेन एक बार आउटलाइन को रिपीट करना है। देखिए इस प्रकार ताकि अच्छे से उभर के आए, एक बार इसको रिपीट करेंगे। देखिए मधुबनी में इस प्रकार विवाह का सीन या देवी देवता बनाया जाता है, मधुबनी में इस प्रकार बनाते हैं। जैसे ये विवाह का बना है पूरा तो इस प्रकार, लेकिन हम स्कार्फ बनाए हैं इसीलिए इसको पूरा भरा हुआ नहीं बनाए हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो आँख आएगा वो वाला हिस्सा हमारा स्कार्फ पूरा बन चुका है। आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर करें, और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।